बजट सत्र से पहले सरकार ने 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी से शुरू होगा सत्र, 1 फरवरी को होगा पेश बजट। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्णिया जाएंगे राहुल गांधी, रैली में तेजस्वी समेत बड़े नेताओं के आने पर सस्पेंस। यूपी उत्तराखंड छोड़ दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी बीएसपी, अंतिम दौर में बातचीत जल्द हो सकता है ऐलान। कल लालू आज तेजस्वी की बारी, लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी करेगी पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह जगह तलाश, ईडी की टीम बीएमडब्ल्यू कार जब्त की, एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जाएंगे जबलपुर, 2376 करोड़ की 9 परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी होंगे शामिल। बिहार जाएंगे जेपी नड्डा, चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद, हिमाचल साधने की रहेगी कोशिश। चंडीगढ़ में आज होगा मेयर का चुनाव, हाईकोर्ट ने तय की तारीख, कांग्रेस ने लगाया था देरी से चुनाव कराने का आरोप। आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का जल्द होगा ऐलान, 30 जनवरी को हो सकती है मीटिंग। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फ के ढके पहाड़, दिल्ली में बारिश का अलर्ट। फ्लोरिडा से स्पेस कोस्ट में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में तीसरी बार दागी कई अज्ञात क्रूज मिसाइलें, दक्षिण कोरिया ने किया दावा। अमेरिका के फ्यूड विश्वविद्यालय में मिला भारतीय छात्र नील आचार्य का शव, 28 जनवरी से था लापता। सही दिशा में चल रही वार्ता, गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर बोले कतर के प्रधानमंत्री। विदेश के सचिव विनय कवात्रा ने की भूटान के नव निर्वाचित पीएम से मुलाकात, आपसी संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। हांगकांग की अदालत ने चाइना एवरग्रांड को बंद करने का दिया आदेश, कंपनी पर $300 बिलियन का कर्ज। अप्रैल से दिसंबर के दौरान सोने का आयात 26.7% बढ़ा, भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का मूल आधार होगा अडानी समूह, अमेरिकी ब्रोकरेज हाउस ने किया दावा। 1 फरवरी को पेश होगा बजट, बजट में वित्तीय संस्थाओं से 70,000 करोड़ मिलने का रखा गया लक्ष्य। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 72,000 पर ओपन, निफ्टी 21,800 के करीब।